बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। मऊ से मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी फिर चल गई है। रोपड़ जेल के मेडिकल बोर्ड ने 3 महीने का बताया है बेड रेस्ट। ये बड़ी खबर, कल होनी थी मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी। ये बड़ी और अहम जानकारी, व्यापारी को धमकाने के मामले में रोपड़ जेल में बंद है। जी हाँ, ये बड़ी खबर। बीते कई महीनों से पेशी को लेकर भेजा जा रहा है सामान। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, मुख्तार अंसारी की कोर्ट में पेशी फिर से चल गई। रोपड़ जेल के मेडिकल बोर्ड ने 3 महीने का बताया है बेड रेस्ट। की बड़ी खबर, अहम जानकारी, कल होनी थी मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी। जी हाँ, व्यापारी को धमकाने के मामले में रोपड़ जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। ऐसे में आपको जानकारी दे कि बीते कई महीनों से पेशी को लेकर भेजा जा रहा है समन। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी जुड़े हुए। खुर्रम, अगर हम बात करें, लगातार कई दिनों से जेल में बंद हैं, ऐसे में एक बार फिर से जब उनकी कोर्ट में पेशी थी, अब उनके इस पेशी को लेकर तमाम तैयारियां हो रही थी और अब खबरें ये सामने आ रही कि उनकी पेशी जो है अब टल गई है। आने वाले समय में अब लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होने वाली है? देखिए, मुख्तार अंसारी को 21 तारीख को मऊ कोर्ट में पेश होना था। फर्जी दस्तावेज पर असलहा बनवाने का उन पर आरोप था, उसको लेकर पेश होना था। लेकिन वो इस वक्त मौजूदा दौर पे पंजाब में बंद हैं और वहां पर बेड रेस्ट पर ऑलरेडी चल रहे हैं। उनको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम बताई जा रही है और नवम्बर तक की ऑलरेडी वो बेड रेस्ट पे है, तो नवम्बर तक की तो वो आ नहीं सकते, ये ऑलरेडी मेडिकल बोर्ड कह चुकी है। तो अब इसके बाद दूसरी चीज जो बचती है पुलिस प्रशासन के पास कि कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्या पेशी कराई जा सकती है, इसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, या फिर इंतजार करें जब उनको मेडिकल बोर्ड उनको क्लीन चिट दे सके कि वो ट्रेवल कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं, तब वो जाकर मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो 21 तारीख को मऊ कोर्ट में मुख्तार अंसारी को पेश होना था, अब वो पेश नहीं हो सकते। मेडिकल बोर्ड ने ऐसे उनको ट्रेवल करने से मना कर दिया है। नवम्बर तक की वो बेड रेस्ट पर है, जो कि बताया जा रहा है, जो मेडिकल बोर्ड ने कहा है। बिल्कुल, ऐसे में अगर हम बात करें खुर्रम, तो हमने आम तौर पर देखा है कि अगर ऐसे केसेस सामने आते हैं तो पूरे मामले को टालने की कोशिश की जाती है। क्या यहाँ पर भी वही जो विकल्प है वो यहाँ पर चुना गया है कि इस पेशी को टालने की पूरी कोशिश की गई है मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर? देखिए, हम पहले ये बात तो साफ करते हैं कि जब सितंबर में वारंट इशू हुआ था, उससे पहले तकरीबन 1 महीने पहले, माफ करिएगा, वारंट इशू हुआ था उससे पहले ही मेडिकल बोर्ड उनको दे चुके थे और वो ऑलरेडी उनको बेड रेस्ट की एडवाइस कर चुके थे। दूसरी बात थी कि मुन्ना बजरंगी जब यहाँ मारा गया था उत्तर प्रदेश की एक जेल में, तो उसके बाद ही मुख्तार अंसारी पंजाब जेल शिफ्ट कर दिए गए थे एक मामले में, वहाँ उनको उनकी जरूरत थी, वो शिफ्ट कर दिए गए। तो 22 महीने से वहाँ पर हैं और तकरीबन हर 2 से 3 महीने बाद वो बेड रेस्ट पर चले आते हैं, जो बताया जाता है उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती कभी तमाम दिक्कतों के चलते। तो ये देखिए, बचने की कोशिश अपराधी करता है कि हम किसी तरीके से कोर्ट में पेश ना हो सके, लेकिन यहाँ मामला दूसरा फर्क है कि वारंट इश्यू से पहले ही वो बेड रेस्ट में थे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हैं कल, या फिर ये कहता है कोर्ट कि जब मेडिकल बोर्ड उनको क्लीन चिट दे, तो जैसे ही देते हैं तो उनको तुरंत लेकर यहाँ आया जाए। तो ये अब कल को देखने वाली बात है, कल कोर्ट का क्या रुख होता है, जो मऊ की कोर्ट है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, नवम्बर तक की मुख्तार अंसारी को बेड रेस्ट एडवाइस की जा चुकी, वो बेड रेस्ट पर हैं। जी बिल्कुल।